लगता है, शादी करना है मुझे तुझसे, कुछ नहीं होता मुझे, ये सब बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड छोड़, शादी करना है बस। तो हम दोनों आज शादी करने आए हैं घर से भाग के, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे। तो क्या हाल है मेरे बस्ती गस्ती पब्लिक, में वापस से तुम्हारे लिए लॉन्ग वीडियो लेके आया और तुम लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब पे बटन नहीं दबाया। नहीं, तेरे को डर नहीं लगता? तो पब्लिक आज हम लोग बात करने वाले सना और ये अंडरस्कोर के बाद एक ऐसा नंबर जिसको अगर मैं हिंदी में प्रोनाउंस करने गया तो यूट्यूब मेरे चैनल के एल और वीडियो के आगे एक बड़ा सा येलो डॉलर चिपका देगा। और ये उसी प्रजाति से बिलोंग करती है जिसे तुम प्यार से निब्बा निब्बी मुन्ना मुन्नी बाबू सोना गधा कमीना कुत्ता कुछ भी कह दो, क्या फर्क पड़ता है। मैं तेला बाबू तू मेला सोना, बाबू ने हक दिया आके धोना थाना थाते तोल मुझे तरना, मम्मी से तो बिल्कुल ना डरना, करवा चौथ पे तेरी उम्र बढ़ाएगा, आईफोन नहीं दिया तो साला ब्रेकअप हो जाएगा। तू कितना भी कर ले इग्नोर, आई लव यू मोर एंड मोर। अरे भैया तुम्हें कब से क्या आखिर क्या तकलीफ है इस रेगिस्तानी झिंगे को भाई, क्यों जुलम डाल रहा है इस नन्ही से जान पे, कोई तो एक्सप्रेशन दे दे, इससे ज्यादा एक्सप्रेशन मेरे पापा मेरा टेस्ट पेपर देखने के बाद में एक मिनट में दे देते हैं। अगर सीआईडी ने तुझे इस हालत में देख लिया तो मरा हुआ घोषित करके पोस्टमार्टम करने में देर नहीं लगाएंगे। प्यार का बुखार है मेरी जान, शादी करके ही उतरेगा। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के। पहली बात तो यह कि बुखार पैरासीटामोल से उतरती है और जहाँ तक मुझे पता है कि उसका कलर काला नहीं होता। सुनो मुझे मोहब्बत है तुमसे। I'm not interested यार। जब पहली बार मैंने इनका वीडियो देखा तो मुझे समझ नहीं आया इनमें से लड़की कौन है और लड़का कौन है, क्योंकि हॉर्मोन्स इसके फूट फूट के बाहर आ रहा है और यहाँ पे भाव ये खा रहा है। सही बात है। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, या तो इस लड़के को सदमा लग गया है कि इसके साइड में इतनी सुंदर कन्या नाच रही है, या फिर इसके साथ ऊपर वाले ने कोई मजाक कर दिया, लगता है इसमें कोई टेक्निकल गड़बड़ी है। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने अपने 16 साल के तजुर्बे में इससे ज्यादा सख्त लौंडा आज तक नहीं देखा। सल्लू भाई को छोड़ के एक बार मेनका ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग कर सकती है, लेकिन ये साउथ पोल का सुअर, ये मैंने आपके आगे हाथ जोड़े कहीं तो चरण पकड़ लो, लेकिन कोई तो एक्सप्रेशन दे दो यार। फैशन की भी कहकर लिए इन परम चोमो ने, ये वीडियो देखने के बाद में मुझे लगता है कि उर्फी जावेद इतनी भी बुरी नहीं थी, और नहीं तो भंडारों में से प्लेटें और चाय की कप चुरा के ड्रेस बना ली, उसमें से भी इस बेचारे का कच्चा नहीं बना के दिया, या फिर ये नाइकी का सस्ता प्रमोशन करने की नाकाम कोशिश करी गई थी। कपड़ों को ऐसे लीरम लीर करके पहनने से फैशन का नहीं बवासीर का जन्म होता, और ये मॉडल कम झपट लेला का तांतिया बिच्छू ज्यादा लग रहा है। भगमा से योनी ओम फट स्वाहा। लेकिन इसके ये वीडियो देखने के बाद में मुझे पता चला, चलो कोई तो है जो उर्फी जावेद से इंस्पिरेशन लेता है। ये टट्टी किसने की है? ये वीडियो देखने के बाद में उर्फी जावेद को सदमा लग गया, क्योंकि कोई उसके कपड़ों की कॉपी भी कर सकता है ऐसा उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सोचा होगा, और इतने बड़े सदमे में आके उसने कपड़े पहनने ही बंद कर दिए। आज जाने की जिद ना। नहीं अब मैं इसका करूँ कैसे, तो रोस्ट करने का मुद्दा ही खत्म कर दिया, साला कपड़ा ही नहीं पहना। लिटरली में यार इसने वाद विवाद करने का किस्सा ही खत्म कर दिया। छोड़ो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारा कुछ नहीं होने वाला, अगली बार ज्यादा से ज्यादा एक गमछा लपेट के आ जाना, क्योंकि रोस्ट करने के लिए कुछ ही तो कॉन्टेंट रहता है हमारे पास, वही तुम खत्म कर दियो यार, ऐसे कैसे चलेगा। सही बात है। और अगर अभी तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इस वीडियो को यहीं पर छोड़ के चले जाओ, क्योंकि आगे हम इस निब्बा और निब्बे की शादी देखने वाले हैं। मुझे तो अफसोस है इस बात का, मैं फ्री का खाना खाने नहीं जा पाया यहाँ पे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। My name is Sana. I hope you all are doing good. तो आज का व्लॉग रहेगा कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। बस बस अब मेरी पहली बेटी जिंदगी में यही तो काम बाकी रह गया था कि मैं सुबह उठते ही नाश्ते के साथ में इन व्लॉग के नाम पे इन 10-15 साल के पिकाचो के शादी अटेंड करने बैठूं। कैटरीना और विक्की कौशल ने भी सल्लू भाई का इतना दिल नहीं दुखाया होगा जितना तुम लोग हम पब्लिक का दुखा रहे हो। कुछ तो रैम करो बे।
मतलब मैं आप लोग को ये नहीं बोल सकती कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, किसके लिए शादी कर रहे हैं इतना कम एज में। क्या मतलब कि शादी क्यों कर रहे हो? ऑफ कोर्स यार, कंटेंट पैदा करने के लिए नहीं। तुम सच सच बताओ कि आजकल तुम्हें एक व्लॉगर बनने के लिए क्या चाहिए? एक अच्छा कैमरा नहीं, एक अच्छा घर नहीं, थोड़ा सा टैलेंट नहीं, कोई अच्छा थोबड़ा नहीं, अच्छे कपड़े नहीं। अरे तो फिर चाहिए क्या व्लॉगर बनने के लिए? तो अभी तुम्हें एक प्रोफेशनल ब्लॉगर बनने के लिए सबसे पहले चाहिए एक लड़की, उसके बाद करनी पड़ेगी शादी, उसके बाद तुम्हें चाहिए होगा एक बच्चा, उसके बाद बच्चे का बच्चा, तभी बनेगा तुम्हारा कंटेंट अच्छा। और हाँ, ये बात याद रखना कि प्रेगनेंसी के ऊपर 100 से ज्यादा वीडियो होने चाहिए, तभी तुम्हारा चैनल ग्रो करेगा। तुम लोगों को अभी भी लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? नहीं, तुम लोग एक बार इनकी थंबनेल के ऊपर नजर मारो। मैं फिर से मां बनने वाली हूँ, होश नहीं, फिर से प्रेग्नेंट, मुझे दुख हो रहा है। प्रेगनेंसी फोटो शूट, माय बेबी बर्थ व्लॉग, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं कि हम दोनों के घर में जो है ना, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम चल रहा था, क्योंकि हम दोनों एक साथ रील्स बनाते थे तो काफ़ी सारे लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगता था कि हम दोनों क्यों एक साथ रील्स बनाते हैं। और हमारे घर में भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहा था, मम्मी बोल रही थी कि तुझे कहीं और मतलब जगह में भेज देंगे। क्या बस टॉर्चर हो रहा था? अबे शुक्र मना, सिर्फ टॉर्चर हो रहा था, वरना तेरी जैसी रील अगर मैं बनाने बैठ जाता ना तो मेरे घर वाले मेरे ऊपर लाठी चार्ज, चप्पल चार्ज, जूता चार्ज, सारे चार्ज कर देते, मेरे को घर से बाहर निकाल देते, अपना बेटा मानने से मना कर देते, मेरी जगह कुत्ता रख लेते, लेकिन मुझे नहीं रखते। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। एडिटर ये वाला पार्ट कट कर देना। तो गया बेटे। चलो दीदी की रील्स भी देख लेते, ऐसा क्या पोस्ट करती है कि घर वालों ने इसे सिर्फ टॉर्चर किया। ये आज के घर वाले भी इतने स्ट्रिक्ट नहीं रहे। अबे मैं तो सोच रहा हूँ तुझे बख्श कैसे दिया घर वालों ने, मुझे जिंदा गाड़ दिया जाता, वो भी इन बत्तों के साथ। बड़े खुश नसीब हो तुम जो बच गए। सही बात है, बट हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं, तो हम दोनों ने सोचा कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, और हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई कुछ भी सोचे। तुम्हें कुछ एतराज है? नहीं है। जोर से बोलो। नहीं है। क्या मजाक कर रही है? एतराज? और इसे ऐसे तो अभी भी सपना लग रहा है कि तू इसके साथ में बैठी है। सच बता रहा हूँ, कभी दोनों शिष्य के सामने एक साथ खड़े मत हो जाना, बेचारा सदमा सहन नहीं कर पाएगा। और ये पीछे को अलग ही एक्शन रिएक्शन चल रही है, भाई क्या कर रहा है? सस्ते नशे आलिया भट्ट का फैन है क्या? पहले लोग नशे के लिए चरस से गांजा बीड़ी तंबाकू सिगरेट ये सब मांगते थे, लेकिन अभी तो लगता है चड्डियाँ भी संभाल के रखनी पड़ेगी। अरे पंजी बेटा, तुमने मेरी रूपा की चड्डी ली थी क्या? दो दिन हो गए ससुरी मिलती ही नहीं। ताऊ ये काम सिर्फ इस दुनिया में एक इंसान कर सकता है। तो अभी हम दोनों एक दूसरे को बरमाला पहनाएंगे, उसके बाद मुझे सिंदूर लगाएगा, उसके बाद हो जाएगा शादी। अरे शादी करनी थी, शादी के नाम पे हगना नहीं था साला, इतनी जल्दी तो कोई कोरटवा भी नहीं होती। हो गई गाइस, अभी मुझे सिंदूर लगाएगा, उसके बाद हम लोगों का शादी समाप्त हो जाएगा। तो गाइस ये जो भी था ना, ये सब कुछ प्रैंक था, क्योंकि रियल नहीं था। मैं इतनी कम एज में थोड़ी ना शादी करूंगी गाइस। प्रैंक था, प्रैंक था, प्रैंक था। नहीं नहीं, हे माँ माता जी, ऐसा नहीं हो सकता। बस यही सुनने के लिए मैंने मेरी जिंदगी की 3 मिनट और 48 सेकंड बर्बाद कर दी। मुझे जीने का कोई हक नहीं, मैं टूट चुका हूँ गाइस, अंदर से मैं पूरा खत्म हो चुका हूँ। नहीं मुझे और कुछ नहीं देखना, मैं चलता हूँ। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। तक तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय, सायोनारा। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable. You're irresponsible. Too many-